Welcome to Learn Alloy. So guys, this is our third video of trigonometric series, and in this very video we are going to cover second exercise of the chapter, that is exercise 8.2. And guys, इस exercise के जहाँ तक basics की बात है, तो वो आपको हमारी previous video, that is trigonometric table में मिल जाएंगे. And also, जहाँ तक इस exercise के सारे questions की बात है, तो we will not be able to cover all the questions, as you know, video बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? So we will cover those questions which are very important and will cover all the information from this exercise, और आपके सारे जो basic concept इस exercise के वो clear हो जाएंगे. And as far as doubts are concerned, आप उसके लिए मुझे comment section में write down कर सकते हो, right? So let's move on to the questions of the exercise. And exercise में जो हम पहला question करेंगे, that is question number one, first part. So guys, इस exercise के questions के बारे में जो basic बात है वो ये है कि आपको इस exercise के questions करने के लिए आपकी कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस बेसिकली वो स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना इजीली आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल. सो जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, sin 60 डिग्री, एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, sin 60 डिग्री दैट इज √3/2, cos 30 दैट इज √3/2. So what we have done, we have put the values of sin 60 and cos 60 respectively, plus sin 30 that is 1/2, cos 60 that is 1/2, that's all. Ab iske baad ab aapko inko solve karna hai, that is √3 is multiplied by √3 is 3, 2 into 2 it's 4, plus 1 into 1 1, 2 into 2 4. And again, as I said in the beginning, इस exercise के question को करने के लिए आपको fractions को solve करने की जो capability है वो strong होनी चाहिए. तो अगर हम इसकी बात करें, तो 4 और 4, LCM is 4, 4 को 4 से divide करेंगे, remainder will be 1, 1 3 से multiply होके 3, plus 4 को 4 से divide करेंगे 1, remainder multiplied by 1 is 1, so hence we have 4/4, that is 1, there we go. So बहुत इजी क्वेश्चंस, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को पुट करना है एंड यू विल गेट दी सॉल्यूशंस इन अ वेरी इजी फॉर्म, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2. क्या है इसमें, 2 × 10 = 45. नाउ यू सी देयर इज 10² = 45, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें 10² = 45 का स्क्वायर करना है, दैट इज 1² because 10² = 45 is 1, plus cos 30 या cos square 30, तो cos 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, that is square of it, sin 60 that is √3/2, तो √3/2 whole square, right? Now as you can see, it's 1² × 1 × 2, that is 2, √3² (3/4) माइनस √3² (3), 2² = 4. नाउ एज यू कैन सी, एक वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी कैंसिल्ड, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज 2, दैट्स ऑल. सो शुरू के दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बेसिक को कवर करते हैं. तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो गाइस, देयर यू गो, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 provides you information that 5 × cos 60 degree, cos 60 as we know is 1/2 whole square, 4 × sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या है, देखो जैसे आपने आपको मैंने टेबल में समझाया था, अगर आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू पता है तो आपको अगले दिन याद नहीं करने पड़ेंगे. लेट्स सी हाउ, cos 30's वैल्यू इज √3/2 एंड sec इज रिवर्स ऑफ cos. तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू √2/√3 माइनस tan 45 विच इज 1 square अपॉन sin 30 इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर्स इज 5 × 1² = 1, 2² = 4 एंड 5 × 1 = 5/4 प्लस 4 × 2 = 8, 8/√3 एंड ऑल्सो सॉरी वी हैव अ स्क्वायर ऑफ इट, सो इट्स 4 × 2² = 4 एंड √3² =
3, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, एंड अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 4, प्लस रूट 3 इज 3 अपॉन 4. सो नेक्स्ट स्टेप इज 5 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4, 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3. तो व्हाट वी हैव इन नेक्स्ट स्टेप इज 4, 3, 1, द एलसीएम विल बी 12, 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 5 से करेंगे 15, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 16 से करेंगे 64, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अपॉन में एज यू कैन सी 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 4 इज 1, सो 4 अपॉन 4 दैट विल बी 1. नाउ एज वी हैव 4 अपॉन 4 इज 1, तो हम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे डज नॉट मैटर. तो हमारे पास क्या वैल्यू है, वी हैव 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12. सो व्हाट इट विल गेट यू इज, आप इसको ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो वी विल हैव 79 माइनस 12 अपॉन 12, दैट इज 67 अपॉन 12, दैट्स योर आंसर. सो देयर यू गो विद कंप्लीशन ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसने आपके इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स को कवर किया, एंड वन ऑफ देम व्हिच इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट. एंड आल्सो गाइस, एज आई सेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए जरूर बना दूं. सो सेकंड पार्ट प्रोवाइड्स यू दैट 1 माइनस 10, 1045 इज 1, इट्स 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 145. सो इट इज 1 माइनस 1, एज वी नो 1 स्क्वायर इज 1, और 1 प्लस 1 दैट इज 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 2, तो अल्टीमेटली वी हैव इज 0. तो दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 4. तो पार्ट 4 में हमें इंफॉर्मेशन क्या है दी हुई है, 2 इंटू 10 30 दैट इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 दैट इज 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज 10 30 इज होल स्क्वायर. एंड नाउ 2 इंटू 1 2, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1. सो नाउ वी हैव 2 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 1 रूट 3 रूट सॉरी 3 और 1 कैंसिल 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 माइनस 1. सो नाउ वी हैव 2 अपॉन रूट 3 इंटू, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, तो ये 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 विल बिकम 3 अपॉन 2. Now 2 is divided by 2 and we have 3 upon root 3. So this 3, as you can see, can be written as root 3 into root 3 upon root 3. So अब आप देख सकते हो आपके पास न्यूमरेटर में भी रूट 3 है, आपके पास डेनोमिनेटर में भी रूट 3 है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेट वैल्यू दैट यू विल हैव इज रूट 3. एंड एज वी नो रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री, एंड दिस क्वेश्चन हैज एन ऑप्शन ऑफ 1060, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. सो देयर वी गो, यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट्स हमने लिए एंड वी हैव डन इट प्रॉपरली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो गाइस, देयर वी गो विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज. गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हैज प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन विद दैट tan a + b इज इक्वल टू रूट 3. सो tan a + b इज इक्वल टू रूट 3. सो वी नो दैट root 3 is value of 1060 degree, where
10 से 10 कैंसिल आउट होगा एंड वी विल हैव 1 a plus b is equal to 60 remain. Equation number 1. In second equation, we will have 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 and we know that 1 upon root 3 is value of tan 30 degree. 10 से 10 cancel out. So we have a minus b is equal to 30 degree and this is our second equation. Now we have equation number 1 and equation number 2. So अब हमें इन दोनों equations को solve करना है and we will have a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30. Now solve them up using elimination method. Positive b, negative b cancelled. A plus A, it will be 2A is equal to 60 plus 30, 90. So, we have A is equal to 90 upon 2, that is 45. Now, value of A for us is 45 degree and put A in equation number 1 or 2, wherever you want. So, A for you is 45 degree plus B is equal to 60 degree. Now separate B will give you 60 minus 45, that is B is equal to 45 and there we are A is equal to 45 and B is equal to 45. This is what we have got from this question, right? So next question for us is true and false. So guys, as far as true and false is concerned, is question mein हमें बस इतना बताना है कि स्टेटमेंट दैट क्वेश्चन हैज प्रोवाइडेड अस वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, जस्ट चेक देम आउट. सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. लेट्स सी कैसा होता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. साइन ए दैट इज सपोज ए इज 30 एंड बी इज 60, राइट. सो यहां पर हमारे पास साइन A sin 30, sin B यानी sin 60. अब आप इसको चेक करो. Do you think कि यहाँ पर sin 30 plus sin 960 यानी sin 30 plus 60 is sin 90 and sin 30 will give you 1 upon 2 and sin 60 will give you root 3 upon 2. क्या sin 90 की वैल्यू इसके इक्वल होती है? तो आंसर इज नो. सो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इज फॉल्स. Right? Now let's move on to the second part. Second part states that sin theta increases as theta increases. जैसे जैसे theta increase होते हैं वैसे वैसे उनकी values भी increase होती जाएंगी. So let's check, क्या ये सही है. Sin 0 degree, right? Then sin 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree, साइन 90 डिग्री. लेट्स चेक, क्या साइन 0 की वैल्यू को इनसे कंपेयर करो. साइन 0, फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90. आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करो और आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है, राइट. क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे तो यू विल कम टू सी ये वैल्यूज इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है. तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं हम. नेक्स्ट, cos theta increases as theta increases. अगर ये false है तो आपने trigonometric table देखी होगी formation में, जो इसकी value है उसी को reverse form में लिखा जाता है. तो ये तो obvious है. obvious कैसे है, अगर इसकी value 0 है तो यहाँ 0 start होगा. इसकी value sin 60 की value क्या होती है हमारे पास, root 3 upon 2, तो ये root 3 upon 2 होगा. sin 45 की value क्या होती है, 1 upon root 2, तो ये भी 1 upon root 2 होगा. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 होगा. और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू आप पुट करोगे 1, तो ये 1 होगा. तो अब आप इनको कंपेयर करो, ये सही या ये सही. इसमें मैं बोला था कि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, लेट्स सी ऐसा नहीं है. इनफैक्ट इट इज डिक्रीजिंग. जैसे जैसे थीटा की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है. स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंडिंग ऑन 1 एंड एंडिंग ऑन 0, वेयर एज कॉस थीटा इंक्रीजेस, बिल्कुल
अगर cos थीटा 0 से स्टार्ट होता है, फिर हम यहां पर पहुंचते हैं, आगे आप देखोगे फाइनली वी आर एंडिंग अप एट 1. सो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो क्वेश्चन हमें कहना चाहता है कि हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए sin थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं. तो वी नो दैट ऐसा नहीं होता. ऐसा सिर्फ एक केस में होता है, एट sin 45 एंड cos 45. sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर डिफरेंट. सो देयर वी गो विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो गाइस, I hope this exercise is well explained to you guys. And as far as doubts are concerned, जो भी आपको doubt हो, please write me in the comment section. I will make sure कि आपके doubts के लिए separate video बना दी जाए. So guys, this is it from this video. We'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye. This is Pankaj Rai signing out.